हेलो एंड वेलकम टू एडियाहॉलिक। आज हम बीपीएससी 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू 15 इंटू एन प्लस 1/3 देन द वैल्यू ऑफ एस इज। ऑप्शन दिया गया है 125, 120 प्लस 1/3, 130, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए वन। हमारे पास एन क्या है? एन हमारे पास 15 है, अप टू एन क्या है 15, और ए वन क्या है हमारे पास 1। तो हम यहाँ पे इसको ए वन का वैल्यू, इस ये ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हम डालने से पहले ए वन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर ए वन इज इक्वल टू, ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, देयरफॉर 1 प्लस 1/3 क्या होगा, 3 में से 3, 3 प्लस 1 4/3। अब ए टू की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, तो 15 प्लस 1/3, 3 15 जा 45, 45 प्लस 1 46/3। ए टू की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 46/3। अब इसको हम ये ए वन एंड ए टू की वैल्यू एंड एन की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, एन एस एन इज इक्वल टू 15/2 इंटू 4/3 प्लस 46/3। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 15/2 इंटू 4 प्लस 46 इज इक्वल टू 50/3। अभी कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 5 जा 2 1 जा 2, 25 जा। तो 5 इंटू 25 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 25 इज इक्वल टू व्हाट, 125। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 125। ऑप्शन क्या है हमारा, फिर ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।